तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ, और आगे 1-2 किलोमीटर आगे है शायद यहाँ से, तो उन्होंने नीचे ही रुका दिए हैं गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ यहीं हैं, देख सकते हैं आप। इधर नरेंद्र भाई आ गए हैं और आगे राजीव भाई, अंकित भी आ रहा है। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से। गाइस अब हम रास्ते में हैं, अभी यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर आगे है ऊपर चढ़ाई में। बाकी राजीव को पता है वैसे। तो मैं बता दूं आपको, ये दिख रहा है जो इधर, ये मणिपुर पर्वत है जहाँ से नीचे है नीलकंठ महादेव। तो गाइस अभी हम लगे हुए हैं पैदल यात्रा, अब हम नीलकंठ पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए भाई, पहुंच के आ गए, बस थोड़ा सा रह गए यहाँ से, 1.5 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से, है ना, इतना ही है। यहाँ से मंदिर की, बाकी राजीव जा चुका है वहाँ पे पहले भी, बाकी हमारे तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, नरेंद्र भाई और मैं फर्स्ट टाइम, ये भी जा रखा है वैसे। तो यहाँ से कितनी दूर है आगे? यहाँ से समथिंग 500 किलोमीटर है। आज वो मौन धारण पे यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप फैमिली के साथ आए तो मतलब रात को स्टे भी यहाँ कर सकते हैं, खाली स्टे। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आशीर्वाद की चीजें मिलते हैं यहाँ पे, इधर सब कुछ मिलेगा आपको जो ऋषिकेश में मिलता है, अष्टधा की चीजें, बाकी प्रसाद वगैरह सब यहीं से ले सकते हैं। नीलकंठ के जूस वो भी रिजनेबल प्राइस में मिलेगा आपको। इधर आप टैटू भी छपा सकते हैं आगे, आपको इधर मैं रेड फॉक्स होटल भी दिखाता हूँ, पर उसमें ढाबे वाली चेयरें लगी हुई हैं। नीलकंठ में आपको रेड फॉक्स होटल भी मिलेगा। मंदिर ये समीप पड़ता हुआ यहाँ पे, और हमारे फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी आगे चलते हुए, और गाइस यहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रही है। और गाइस यहाँ पे चप्पल उतारने की भी पूरी व्यवस्था की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सर क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ज्यादा कैसी व्यवस्था लगी आपको? अपने भाई हैं यहाँ पे, अपने भाई मिले हमें। गाइज यहाँ पे हाथ उलाने की प्रोसेस चालू। तो गाइज यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, आपको यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं है, आप आ रही होगी, मैं यहाँ पे कुलदीप ईस्ट का ब्लॉग जारी कर रहा हूँ, और हमारे बड़े भाई साहब यहाँ आगे आगे चल रहे हैं दिखाएं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती हुई, और हमारे कुलदीप भाई धीरे धीरे। गाइज हम गंगा जल, जैसे आप देख रहे होंगे गंगा जल, हम गंगा जी नदी से भर के लेके आए, सुबह हमारे कुलदीप बड़े भाई जी गंगा जल नदी में गए और गंगा जल भर के लेके आए। गाइस हम जैसे आप देख रहे होंगे हम आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने मंदिर की, अरे चलो आगे चलो। गाइस आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ चिपलन भी हो रही है काफी, तो आपको डरने का भी भाई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इधर काफी भीड़ लगी हुई है, और हम भी नंबर में खड़े हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आगे पप्पू तो आगे खड़ा, लोने बोले पप्पू मारे तो वे डाला दिए। Oh,
ये लोग क्या है, गलत बात है। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जब कहते हैं कि जब भगवान शिव समुद्र मंथन करके आए थे तो उन्होंने विष पी लिया था, तो उनके गले में काफ़ी जलन हुई थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे 60 वर्षों तक तपस्या करी है। फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करते, और अब हम जाएंगे ऋषिकेश के लिए। बाकी अभी आधे रास्ते में पहले खाना खाएंगे या जहाँ पे भी देखेंगे, अभी इधर भी है वैसे, अभी देखते हैं बीच में खाएंगे कहीं रुक के। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुकून मिलता है यहाँ पे आके। सो गाइस अब हम आ चुके हैं दर्शन करके, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे। और जोर से बोल, और जैसा आप लोग देख सकते हैं हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। हमारे साथ केंद्रा जी है, फर्स्ट टाइम है नीलकंठ आ रखे। कैसा लगा केंद्रा जी आपको? बहुत बढ़िया। अनु भाई कहाँ हमारे पीछे? अनु भाई पीछे है, और काफी अच्छा अनुभव रहा हमारा। अलग ही ब्लॉग कुलदीप का है, लेकिन हर बार मैं ही यहाँ पे ब्लॉगर बन जाता हूँ, कोई नहीं, इट्स ओके, इस बार होना रहा मेरे जैसे। तो इनका तो आ चुका है फोन। तो कैंतुरा जी आए इस टाइम फर्स्ट टाइम, तो कैंतुरा जी को कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ एक बार नरेंद्र भाई को। बहुत अच्छा लगा।